Okay, so welcome to this online lecture on Indian polity and governance. Hum part one, the union and its territory ko abhi discuss kar rahe the. Humne dekha ki kya kya provisions hamare article 1 se lekar 4 tak territory se related hamare constitution mein provided hain. Theek hai? To ab hum देखते हैं आज का जो सेशन होने वाला है, आज का लेक्चर जिस टॉपिक को कवर करेगा, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का पुनर्गठन, इसका बैकग्राउंड और इसका आफ्टरमैथ, द बैकग्राउंड एंड आफ्टरमैथ ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन और स्टार्ट करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड से. ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो आप जानते हो कि उसके साथ हमें मिला पार्टीशन ऑफ इंडिया. इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो नेशन बनाए गए 1947 में. पार्टीशन ऑफ इंडिया भी हुआ इंडिपेंडेंस के साथ साथ. ठीक है, और साथ ही साथ 550 के लगभग प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट भी इंडिपेंडेंट हुए. एंड दोज प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन थ्री ऑप्शंस. नंबर वन, दे कैन ज्वाइन इंडियन डोमिनियन. ऑप्शन टू, they can join the dominion of Pakistan. And option number three was they can choose to remain independent. ठीक है, फिर बाद में Mountbatten आए. Mountbatten को गवर्नर जनरल बनाया गया और उनके इंटरफेरेंस के कारण तीसरा ऑप्शन, the option of remaining independent was removed. तो अब कुल दो ऑप्शन बचे थे. ठीक है, या तो आप इंडिया के साथ मिल जाओ या पाकिस्तान के साथ मिल जाओ. तो एक बड़ा हरक्यूलियन टास्क था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का, जिसको जिसको पूरा करा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और उनके सेक्रेटरी मिस्टर मेनन ने. इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी था. ठीक है, सो इट वाज अ टास्क टू इंटीग्रेट इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन. ठीक है, अब हम इस पर एक लंबा लैप लेते हैं कोई 3 साल बाद का. 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया. द डेट वॉज 26 जनवरी 1950, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया. ठीक है, सारे इंटीग्रेटेड प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो इंटीग्रेट हो चुके थे इस ड्यूरिंग, एक्सेप्ट कश्मीर. कश्मीर का इशू थोड़े लंबे टाइम तक चला. तो 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चार तरह के स्टेट्स का मेंशन था. पार्ट ए, बी, सी और डी करके चार पार्ट में स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, या यू कहें कि चार पार्ट में स्टेट्स को कैटेगराइज किया गया था कि भाई ये टाइप ऑफ स्टेट है. कितने टाइप के स्टेट रहे होंगे मैं आपको एक जनरली बता देता हूं. कुछ तो वो स्टेट रहे होंगे जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे. देन पार्ट बी में रखे गए प्रिंसली स्टेट. देन कुछ कमिश्नरी स्टेट्स भी थे, ऐसे स्टेट्स जो कमिश्नर के अंडर में थे. इस तरह से पार्ट ए, बी, सी, डी करके चार टाइप की कैटेगरी बनाई गई स्टेट्स की, और टोटल 29 स्टेट्स थे 1950 में. ठीक है, कुल मिलाकर 29 स्टेट्स थे 1950 में. तो ये जो पूरा अरेंजमेंट था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का, ये एक बहुत ही एडहॉक बेसिस पर था. ठीक है, एडहॉक बेसिस यानी कि फॉर अ टाइम बीइंग ये किया गया था कि भाई ठीक है, आप यूनियन के पार्ट तो बन गए, आपने डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, या फिर प्लेबिसाइट से आप
हमने अपने में मिला लिया, लेकिन ये एक बहुत एडहॉक अरेंजमेंट था, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हमें करना था, क्योंकि एडहॉक बेसिस पर आप कब तक काम चलाओगे। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, ये जो एडहॉक बेसिस के अरेंजमेंट थे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट या ये चार, वो थे, इन चार टाइप ऑफ स्टेट से होने लगा एक तरह का प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होने लगा, बड़े बड़े स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, ज्योग्राफिकली एक बड़ा स्टेट हुआ करता था, और यूनिफॉर्मिटी वहां पर नहीं थी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी। जिसका सबसे बड़ा डाइवर्सिटी जो सबसे बड़ा ग्राउंड ऑफ डाइवर्सिटी जो था वो था लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि इंडिया में एक डिमांड ग्रो होने लगी, स्पेशली साउथ इंडिया में। किस बात की, कि साहब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पर। इसको आप ऐसे एक सरल एग्जांपल से समझ लो, साउथ इंडिया में एक स्टेट था जिसका नाम था मद्रास। ठीक है, बहुत बड़ा स्टेट था। अब उस मद्रास में सारे लोग मद्रासी बोलने वाले नहीं थे। ठीक है, मद्रासी इज नॉट एनी लैंग्वेज। मद्रास स्टेट में तमिल बोलने वाले लोग भी थे, तेलुगु बोलने वाले लोग भी थे, मलयालम बोलने वाले लोग भी थे, थोड़े बहुत कन्नड़ बोलने वाले लोग भी थे। तो बड़ी प्रॉब्लम जा रही थी। ठीक है, ऐसा ही एक स्टेट था मैसूर। मैसूर वॉज प्राइमरीली कन्नड़ स्पीकिंग पीपल, बट उसमें भी ये दूसरी भाषाओं के लोग रहा करते थे। इवन मैसूर में कुछ मराठी स्पीकिंग लोग भी थे। तो ये डिमांड उठने लगी कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइज किया जाए, स्टेट्स की टेरिटरीज को डिटरमाइन किया जाए लैंग्वेज के आधार पर। ये डिमांड उठने लगी, और ये डिमांड 1950 के और बहुत पहले से उठ रही थी, राइट आफ्टर आर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो 1948 में इस इशू को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन अपॉइंट की, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन अंडर चेयरमैन ऑफ मिस्टर एस के धर। ठीक है, एस के धर साहब की प्रेसिडेंटशिप में या चेयरमैनशिप में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बनाई गई। इस कमीशन का काम था कि वो रिव्यू करे कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस कमीशन का नाम आप याद रखिएगा, धर कमीशन या एस के धर कमीशन। यदि प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन आए कि कब ये अपॉइंट हो रही है, सो इट वाज अपॉइंटेड इन 1948। क्या इसका काम था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए लिंग्विस्टिक बेसिस को रिव्यू करना। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हो सकते हैं या नहीं, ये काम इजीली हो सकता है या नहीं, इस काम को, इस बात को चेक करने के लिए एस के धर कमीशन बनाई गई। ठीक है, जून 1948 में 6 महीने इन्होंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली रिसर्च किया, एम्पेरिकल स्टडीज की, डेटा कलेक्ट किया, सारा कुछ समझने की कोशिश की, और दिसंबर 1948 में एस के धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, एस के धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रिकमेंडेशन थी, एस के धर कमीशन ने रिकमेंड किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, मार्क दिस लाइन, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए एंड नॉट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर नहीं स्टेट बनाए जाने चाहिए, बल्कि
प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कैसे एक स्टेट को एडमिनिस्टर करना इजी होगा, कन्वीनियंट होगा, इसके बेसिस पर स्टेट बनाया जाना चाहिए, ये रिकमेंड करा एसके धर कमिटी ने, सॉरी एसके धर कमीशन ने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका एसके धर कमीशन। देन लोगों में बड़ा गुस्सा आया इस बात को सुनकर, स्पेशली साउथ इंडिया का, जहां से ये डिमांड बहुत ज्यादा ग्रो हो रही थी। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बनाने की डिमांड साउथ इंडिया से ज्यादा हो रही थी। तो जब एसके धर कमीशन की रिपोर्ट आई या एसके धर कमीशन की रिकमेंडेशन आई कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर स्टेट बनने चाहिए ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर, तो इससे काफी रिसेंटमेंट हुआ, लोगों में बहुत गुस्सा आया था और काफी इसका विरोध होने लगा, काफी इसका विरोध प्रदर्शन होने लगा। तब फिर गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी जेवीपी कमीशन। ठीक है, ये कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स, या यूं कह लें गवर्नमेंट के ही कुछ मेंबर्स की ये कमीशन बनाई गई थी, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, इन तीन लोगों की कमीशन बनाई गई। ठीक है, किस लिए? टू एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इस बात को एग्जामिन करने के लिए दिसंबर 1948 में एसके धर कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद दिसंबर में ही ये जेवीपी कमीशन बनाई गई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप काफी कुछ जानते होंगे, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल देश के पहले होम मिनिस्टर और पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, और साथ ही साथ इनको एक स्पेशल टास्क सौंपा गया था, द मिनिस्ट्री ऑफ प्रोविंशियल अफेयर्स, रियासती मामलों का एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। ही वॉज असाइंड विद द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। और तीसरे मेंबर इसमें थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया इज सेड टू बी द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ही ऑल्सो सर्वड एज फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। MPPSC के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही जब हम पट्टाभी सीतारमैया की बात करते हैं तो याद करते हैं द हिस्टोरिक कांग्रेस सेशन ऑफ त्रिपुरी। त्रिपुरी इज इन जबलपुर। त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के पर्सनल कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हरा दिया था। ठीक है, तो ये वही पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों की एक कमीशन बनाई गई। इस कमीशन ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की, अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की, और इसने भी रिजेक्ट किया द आइडिया ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इस कमीशन ने भी कहा कि नहीं साहब, भारत में भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स नहीं बनाए जाने चाहिए, उनका रीऑर्गेनाइजेशन, उनका पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की, लेकिन साउथ इंडिया में वो मूवमेंट लगातार चलता रहा कि नहीं, हमें तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही स्टेट्स चाहिए, आप सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करो, फिर से टेरिटरीज का ऑल्टरेशन करो लैंग्वेज के बेसिस पर। और ये डिमांड एक बहुत ही पॉपुलर लीडर, पॉपुलर कांग्रेस लीडर कर रहे थे, उनका नाम था पट्टी श्री रामालू। पट्टी श्री रामालू बहुत ज्यादा इस बात का विरोध कर रहे थे, रिजेक्शन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वाली जो बात धर कमीशन और जेवीपी कमीशन ने कही थी उसका विरोध कर रहे थे, और विरोध में ये बैठ गए हंगर स्ट्राइक पर, भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठ गए। 56 दिन तक ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहे, 56 डेज, और 56th डे पर इनकी
डेथ हो जाती है। जाहिर बात है 56 डेज तक कोई खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो पुट्टी श्री रामोलू की डेथ हो जाती है आफ्टर 56 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक। और इससे बहुत ज्यादा एजिटेशन होने लगा इंडिया में, स्पेशली साउथ इंडिया में, अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट। पंडित नेहरू को बहुत ज्यादा विरोध झेलना पड़ा इस डेथ के कारण। एक पॉपुलर लीडर की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हंगर स्ट्राइक। और फिर गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू क्रिएट इट्स फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। लैंग्वेज के बेसिस पर पहला स्टेट गवर्नमेंट को बनाना पड़ गया 1953 में। ठीक है, और उस स्टेट का नाम था आंध्रा। यहां पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, द स्टेट वॉज नेम्ड आंध्रा, नॉट आंध्रा प्रदेश। 1953 में स्टेट का नाम था आंध्रा। कैसे बना ये आंध्रा? बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम मद्रास स्टेट। मद्रास स्टेट में से तेलुगु स्पीकिंग एरिया को सेपरेट करके एक नया आंध्रा स्टेट बनाया 1953 में, जो कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था। यहाँ पर प्रिलिमिनरी के तीन चार क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला पहला स्टेट कौन सा है? दैट इज आंध्रा। कब बना? 1953 में। कैसे बना? मद्रास स्टेट से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को हटाकर। ऑलराइट, तो ये सब हुआ 1953 में। अब जब ये हो गया, पहला स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पर बन गया, तो बाकी के स्टेट्स में भी यही डिमांड होने लगी। मराठी बोलने लगे हमको अपना महाराष्ट्र दे दो, गुजराती बोलने लगे हमको गुजरात दे दो, केरला वाले बोलने लगे कि हम मलयालम बोलते हैं हमको एक अलग मलयाली स्टेट दे दो। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बंगाली बोलने लगे हमको बंगाल दे दो, उड़िया जो लोग बोलते थे वो कहने लगे उड़ीसा दे दो। इस तरह से लिंग्विस्टिक बेसिस पर और ज्यादा स्टेट्स बनाने की जो डिमांड थी, ये और अधिक इंटेंसिफाई हो गई आंध्रा के बनने के बाद। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा, दी डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स या डिमांड ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक्स वॉज इंटेंसिफाइड, और ज्यादा ये डिमांड बढ़ने लगी। ठीक है, अब भाई साहब गवर्नमेंट की प्रॉब्लम और बढ़ गई कि यार हमने एक स्टेट बना दिया तो अब तो पूरी कंट्री में ये प्रॉब्लम होने लगी। सारे लोग बोलने लगे कि हमको लैंग्वेज के आधार पर स्टेट दे दो। अब क्या करें? ये काम ऐसा तो नहीं है ना बस कि एक चॉकलेट है और आपने दो टुकड़े करके दे दिए, आधा तुम लो चुन्नू बेटा, आधा तुम लो मुन्नू बेटा, और लड़ो मत। इट वॉज नॉट दैट इजी, क्योंकि स्टेट्स जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। इतना मजाक नहीं है स्टेट्स को डिटरमाइन कर देना, उनकी बाउंड्रीज को चेंज कर देना जस्ट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। और ऐसा कोई क्लियर कट मार्क डिमार्केशन होना भी पॉसिबल नहीं है कि फला स्टेट में सिर्फ फला लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। आप कर्नाटका जाओ तो वहां बंगाली बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे, आप बंगाल जाओ तो वहां पर शायद डोगरी बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे, है ना। हर हिस्से में हर तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, दैट वी आर वेरी डाइवर्सिफाइड, वी आर नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये बड़ा कठिन काम था। गवर्नमेंट के पास एक और बड़ा चैलेंज आ गया कि अब रिऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए। सो इन दिसंबर 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर चेयरमैन ऑफ मिस्टर फजल अली, जिसको कहते हैं फजल अली कमीशन। ठीक है, 1953 1953 में फजल अली कमीशन बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू सी द इशू ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ऑल राइट, और इस कमीशन के दो और मेंबर थे, उनका नाम था मिस्टर के एम पनिक्कर एंड एच एन कुंजरू। तो फजल अली साहब, के एम पनिक्कर साहब और एच एन कुंजरू साहब की एक कमीशन बनाई गई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के इशू को डील करने के लिए।
ठीक है, और लगभग 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च के बाद, बहुत सारी स्टडी के बाद, बहुत एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करने के बाद, फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की सितंबर 1955 में। ठीक है, सितंबर 1955 में फजल अली कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में कहा, या यूं कहें कि माना कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाए जाने चाहिए। द रिपोर्ट ऑफ फजल अली कमीशन एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट एक्सेप्टेड द लैंग्वेज एज बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों को बना देना चाहिए। रीऑर्गेनाइजेशन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये बात मानी फजल अली कमीशन ने, लेकिन इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज, एक प्रदेश एक भाषा का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। इसको आप ऐसे समझे, ठीक है, मराठी स्पीकिंग बेल्ट को आप डिवाइड करके महाराष्ट्र बना दो, बट देयर शैल बी नो स्टेट लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी स्पीकिंग लोग रहेंगे, हिंदी स्पीकिंग, बंगाली स्पीकिंग, कन्नड़ स्पीकिंग लोग नहीं रह सकते। सो वन स्टेट वन लैंग्वेज को रिजेक्ट किया इन्होंने। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका बहुत 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 अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, ये कहा हमारी फजल अली कमीशन ने। आइए देखते हैं और क्या कहा फजल अली कमीशन ने। फजल अली कमीशन ने मोटा माटी 4 पॉइंट रखे गवर्नमेंट के सामने, 4 बिंदु को रखा, या यूं कहें कि 4 फैक्टर्स निकाले। इन फैक्टर्स पर रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ऐसे 4 फैक्टर निकाले। पहला, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। ठीक है, कि कमीशन ने कहा, ठीक है, आप रीऑर्गेनाइज कर दो, आप स्टेट्स की बाउंड्रीज और एरियाज को अल्टर करके नए स्टेट बना दो, लेकिन यूनिटी एंड सिक्योरिटी के साथ कोई मजाक नहीं होना चाहिए। द कंट्रीज यूनिटी एंड सिक्योरिटी शैल नॉट बी ऑन टॉस, इट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना। क्योंकि देखिए आप, बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो इंडिया में मिलना नहीं चाहते थे, दैट वाज अ थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन। अनदर थ्रेट टू आवर नेशन वाज आवर न्यू नेबर कॉल्ड पाकिस्तान। ठीक है, ये सारे थ्रेट थे। ऐसे कोई भी थ्रेट ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप स्टेट्स बनाओ लेकिन सिक्योरिटी और यूनिटी जिससे हैम्पर ना हो, इसका ध्यान रखें, एक बात। दूसरी बात, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी को ध्यान रखें जब आप स्टेट्स को डिवाइड करें। ठीक है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, जब हम बात करते हैं किस के भाई साहब फला व्यक्ति कन्नड़ है, सो ही इज कन्नड़ नॉट जस्ट बाय लैंग्वेज बट ऑल्सो इन कल्चरल टर्म्स, है ना। या जब हम कहते हैं कि फला व्यक्ति बंगाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ कि वो बंगाली बोलता है, he possess that Bengali identity with him, वो बंगाली कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी को एक बेसिस बनाया जाए स्टेट्स के रिऑर्गेनाइजेशन के लिए। थर्डली, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस। एक वही बात जो शायद धर कमीशन और जेवीपी कमीशन कह रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस आधार होना चाहिए, तो इन्होंने ये भी कहा कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी के साथ साथ फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, स्टेट को बनाने के लिए
एंड लास्टली प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज नेशन एज अ होल। ठीक है, ऐसा प्लानिंग किया जाए कि स्टेट्स का भी वेलफेयर हो और नेशन एज अ होल का भी वेलफेयर हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक स्टेट स्टेट बस डेवलप हो जाए और नेशन डेवलप ना हो पाए, या फिर स्टेट जब तक डेवलप नहीं होंगे तब तक नेशन डेवलप आप सोच भी नहीं सकते। तो इन चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए। यह बात कही किसने? फजल अली कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ने। ठीक है, फजल अली कमीशन ने ये चार पॉइंट रखे कि रीऑर्गेनाइजेशन को करते हुए इन चारों पॉइंट्स का ध्यान रखा जाए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या रिकमेंडेशन दिया इसने? इसने रिकमेंडेशन दिया अबॉलिशन ऑफ फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। आप देखिए 1950 की हमने जब बात की थी इस सेशन के बिल्कुल शुरुआत में, तो पार्ट ए बी सी डी ऐसे चार स्टेट्स या चार टाइप के स्टेट्स बताए थे, इन चार टाइप में हमारा क्लासिफिकेशन था। तो फजल अली कमीशन ने कहा ये जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन आपने कर रखा है इसको अबॉलिश करो, इसको खत्म करो। ठीक है, सिर्फ दो बेसिस पर आप टेरिटरीज को क्लासिफाई करो। पहला बेसिस है स्टेट और दूसरा बेसिस है सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज। ठीक है, और इसने कहा 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज को बनाया जाना चाहिए। ठीक है, 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज, ये सजेशन दिया हमारी फजल अली कमीशन ने। ओके, अब क्या हुआ इसके आगे? गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशंस बट विद माइनर मॉडिफिकेशंस। मेजरली ये रिकमेंडेशन मान ली गई लेकिन कुछ छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस किए गए। कुछ छोटे छोटे माइनर मॉडिफिकेशन के साथ गवर्नमेंट ने मान लिया और 1956 में गवर्नमेंट ने किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स की बाउंड्रीज, उनके नेम्स, उनके एरियाज, इन सबको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। द डेट वॉज November 1, 1956। 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन हुआ, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? दो चीजों से। पहला था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1956, ये एक ऑर्डिनरी लॉ था, एक ऑर्डिनरी लॉ जो पार्लियामेंट लेकर आई, जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। आप याद करिए, कल के सेशन में हम जब आर्टिकल 4 पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एरियाज, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, चेंजिंग ऑफ नेम और क्रिएशन ऑफ स्टेट, इन चारों चीजों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक ऑर्डिनरी लॉ बनाकर भी पार्लियामेंट ये काम कर सकती है, ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसा ही एक ऑर्डिनरी लॉ आता है 1956 में, जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। लेकिन साथ ही साथ हम देख पा रहे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करना पड़ा। क्यों करना पड़ा भाई? क्यों एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन चेंज करना पड़ा या कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों चेंज करना पड़ा? सो द आंसर इज दिस रीजन, अबॉलिशन ऑफ फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। हमने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था क्या कि चार तरह से क्लासिफाई किए गए थे स्टेट्स 1950 में,
पार्ट ए बी सी डी ऐसे चार क्लासिफिकेशन थे। इस क्लासिफिकेशन को अबॉलिश करने के लिए हमें सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आना पड़ा। और हमने ये भी पढ़ा था कि प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन इनटू यूनियन ऑफ इंडिया वाज ऑन अ एडहॉक बेसिस, ऑन एन एडहॉक बेसिस। तो इस एडहॉक बेसिस को परमानेंट स्टेटस देने के लिए हमें ये सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना पड़ा, ठीक है। इसीलिए सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लेकर आना पड़ा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अलावा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ा, तब जाकर हमारा रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो सका। तो पीटी का क्वेश्चन नंबर वन जो इस पॉइंट से बनता है, कौन सा अमेंडमेंट था वो? इट वॉज सेवेंथ अमेंडमेंट, ठीक है, सेवेंथ अमेंडमेंट। तो कई बार क्वेश्चन में ये आता है सेवेंथ अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, सो इट वॉज रिलेटेड टू स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, कब हो रहा है ये अमेंडमेंट, सो इट वॉज द ईयर 1956। क्वेश्चन नंबर थ्री, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किस डेट को हो रहा है, सो द डेट वॉज 1956 नवंबर 1। 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है, राज्यों का स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड द सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड, ठीक है, 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड। आइए हम यहीं के यहीं समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो आप जानते हो फेडरल स्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत एसेंशियल फीचर है, या यू कहें कि एक मेजर फीचर है फेडरल स्ट्रक्चर, या यू कहे डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स इज अ क्रूशियल फैक्टर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो स्टेट्स के पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने की पावर होती है, बहुत सारे पावर्स स्टेट्स को कन्फर किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड स्टेट्स विद सर्टेन पावर्स, ठीक है। ये डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होता है ये सेवेंथ शेड्यूल में दे रखा है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेवेंथ शेड्यूल 3 लिस्ट की बात करता है। कौन कौन सी 3 लिस्ट है भाई? पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर सेंटर लॉ बना सकता है, ठीक है। दूसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, नाम से ही पता चल रहा है स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर लॉज बनाएगा कौन? स्टेट, ठीक है। सो द स्टेट्स आर वेस्टेड विद सर्टेन पावर्स सेवेंथ शेड्यूल से, ठीक है। स्टेट्स को कुछ एक पावर दी गई होती हैं। एंड थर्ड लिस्ट इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिस पर कौन लॉज बना सकता है? बोथ, दोनों लॉज बना सकते हैं, बोथ स्टेट एंड सेंटर, वो होती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है। सो दीज 14 स्टेट्स विच वर क्रिएटेड हैड दोस पावर, इन स्टेट्स के पास वो पावर होंगे उन सब्जेक्ट्स पर जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उन पर ये खुद लॉस बना सकते हैं, ऑलराइट। बट यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, यूनियन टेरिटरीज ऐसे एरियाज होते हैं, व्हाट इज दिस, यूनियन टेरिटरीज हमारे कंट्री की ऐसी टेरिटरीज होती हैं या ऐसे एरियाज होते हैं जो डायरेक्टली यूनियन के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको
डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है, ठीक है, वो कहलाती है यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो ऐसी यूनियन टेरिटरीज में किसी भी तरह का डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगा। यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, कोई भी डिवीजन ऑफ पावर जैसी बात वहां पर नहीं होती। या यूं कह ले कि यूनियन टेरिटरीज के कॉन्टेक्स्ट में हम कंप्लीटली यूनिटरी हैं, ठीक है, एक प्योर यूनिटरी सेटअप जैसे हम बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुल जमा 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, ठीक है, 6 यूनियन टेरिटरीज कुल मिलाकर बनाई गई। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाई गई, इन इन एरियाज को भी स्टेट तो बना सकते थे, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज की जगह हम 20 स्टेट्स भी तो बना सकते थे, व्हाट वाज द नीड ऑफ मेकिंग दीज 6 यूनियन टेरिटरीज। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने अपने नोट पैड उठाइए और नोट कर लीजिए, व्हाट इज द रीजन ऑफ मेकिंग सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, या यूं कहें कुछ एरियाज को यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर करने के पीछे क्या रीजन, क्या रैशनल, क्या विजडम होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। प्लीज टेक आउट योर नोट पैड्स एंड स्टार्ट नोटिंग देम डाउन। पहला सबसे जरूरी रीजन है जिसके कारण यूनियन कुछ एक टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में रखता है, दैट इज ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन, कुछ टेरिटरीज ऐसी लोकेशन पर होती हैं, ऐसी जगह सिचुएटेड होती हैं जहां से यूं कह लें कि बाकी जो हमारी टेरिटरी है उससे काफी दूर हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए कहूं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड काफी दूर है इंडिया के मेनलैंड से। अब ऐसे ऐसे टेरिटरी को आप कंप्लीटली स्टेट बना दो और मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ गड़बड़ कर दे, गड़बड़ ऐसी कर दे कि वो श्रीलंका से जाकर मिल जाए और सेसेशन जैसी चीजें करने लगे या सेसेशन जैसी चीजों को हवा देने लगे। इसीलिए वो काफी दूर है, क्योंकि वो काफी दूर है इंडिया के मेनलैंड से, इसलिए उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। सो फर्स्ट रीजन इज ज्योग्राफिकल लोकेशन, कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऐसी होती हैं कि उनको कंप्लीट स्टेटहुड देना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। दूसरा रीजन है कल्चरल रीजंस। अंडमान और निकोबार के ही एग्जाम्पल से आप देखें, अंडमान और निकोबार आइलैंड का एक अलग कल्चर है। प्राइमरीली ये आइलैंड इनहेबिट किए जाते हैं ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा, ठीक है, ट्राइबल्स के द्वारा इनहेबिट किए जाते हैं ये ग्रुप्स, ये आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। और ट्राइबल्स भी कौन से, प्रिमिटिव ट्राइब्स, प्राचीन ट्राइब्स, ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जो आज भी लिटरली जंगलों में रह रहे हैं, जिनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। ऐसे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को या ऐसे कल्चरल एथोस को प्रिजर्व करने के लिए भी यूनियन टेरिटरीज बना दी जाती हैं, या कुछ एरियाज को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि अंडमान और निकोबार को स्टेटहुड दे दिया जाए, वहां पे इलेक्शन एक्सेट्रा कराए जाए, चीफ मिनिस्टर हो, विधानसभा हो, ये सब करना वहां पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल रीजंस। इसके कारण भी कुछ एरियाज को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, ठीक है। तीसरा एक बड़ा रीजन होता है किसी भी टेरिटरी को यूटी बना देना, यूनियन टेरिटरी बना देना, इज हिस्टोरिकल रीजन।
उस पर्टिकुलर टेरिटरी का इतिहास ऐसा रहा हो, हिस्ट्री ऐसी रही हो कि उसको स्टेटहुड देना थोड़ा सा मुश्किल काम हो, तब भी उनको यूटी बना दिया जाता है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव फॉर दिस रीजन इज दिल वालों की दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली का एक अपना हिस्टोरिकल जर्नी रहा है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में भी कुछ जगहों पर दिल्ली वाज अ कैपिटल, देन सल्टनेट पीरियड और मुगल पीरियड में तो दिल्ली वाज द कैपिटल। देन केम द ब्रिटिशर्स हु शिफ्टेड देयर कैपिटल टू कलकत्ता, और 1911 में वापस कलकत्ता से दिल्ली को कैपिटल बनाया गया इंडिया का। सो दिल्ली का एक बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ऐसे दिल्ली को आप किसी एक स्टेट के साथ नहीं रख सकते। और ये भी एक बड़ी बात है कि सारे स्टेट लड़ने तैयार हो जाएंगे। दिल्ली की बॉर्डर लगती है हरियाणा से, हरियाणा बोलेगा कि ये हमको दे दो दिल्ली, तो हमारा पार्ट बनना चाहिए क्योंकि गुड़गांव दिल्ली से लगा हुआ है। यूपी वाले बोलेंगे नहीं भाई साहब, नोएडा का ज्यादा बड़ा एरिया दिल्ली से सराउंडेड है, इसीलिए हमें दे दो, किसको दो, बड़ा विवाद का काम है ना। एक बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है दिल्ली का, नेशनल कैपिटल भी है दिल्ली, तो वो आप किसी स्टेट को नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये सारे कुछ रीजन होते हैं जिनकी वजह से यूटी बनाए जाते हैं। इन्हीं कुछ रीजन को मद्देनजर रखते हुए 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए 1 नवंबर 1956 में। क्लियर है कौन से वो 14 स्टेट्स थे जो बनाए गए और कौन सी 6 यूटीज बनाई गई थी, कौन सी 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी 1 नवंबर 1956 में। तो ये बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में मैंने ये स्टेट्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वॉज आंध्र प्रदेश 1953 में जो आंध्रा बना, अब उसको कर दिया गया हमने आंध्र प्रदेश। अनदर स्टेट वॉज आसाम, आप जानते हो आसाम एक बहुत लंबे टाइम तक बंगाल का पार्ट रहा। ठीक है, अब आसाम को एक अलग स्टेट बना दिया गया। देन अनदर स्टेट वॉज बिहार, अगेन बिहार एक बहुत लंबे टाइम तक हिस्टोरिकली हम देखें तो बिहार बहुत लंबे टाइम तक पार्ट था किसका, बंगाल का। तो एक नया स्टेट बिहार बन जाता है, असम बन जाता है, आंध्रा बन जाता है। अनदर स्टेट विच वॉज क्रिएटेड वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेट विच वॉज नेम्ड एज बॉम्बे। बॉम्बे एक स्टेट बना दिया गया। ठीक है, इस बॉम्बे में दोनों स्टेट्स की टेरिटरी आती थी, महाराष्ट्र जो आज का महाराष्ट्र है और आज का गुजरात, इन दोनों स्टेट की टेरिटरीज आती थी इस बॉम्बे स्टेट में जो 1956 में बन रहा है। ठीक है, 1956 में बॉम्बे स्टेट जो था उसमें महाराष्ट्र और गुजरात, जो आज का महाराष्ट्र और गुजरात है, वो दोनों आते थे। इट मींस बॉम्बे में मराठी स्पीकिंग और गुजराती स्पीकिंग दोनों पॉपुलेशन थी। ठीक है, देन द नेक्स्ट स्टेट वाज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को भी प्रॉपरली स्टेटहुड दिया गया 1956 में। ऑलराइट, देन अनदर स्टेट व्हिच वाज क्रिएटेड वाज केरला। केरला एक नया स्टेट बना दिया गया। क्यों? केरला में मेजर जो पॉपुलेशन थी वो कौन सी भाषा बोलती थी? मलयालम। मलयालम ये बोला करता था। तो ऐसे मलयालम स्पीकिंग एरियाज को अलग कर दिया गया और बनाया गया एक नया स्टेट जिसका नाम था केरला। और अगला स्टेट जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपीपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे।
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश तो एमपी जीके का भी एक पोर्शन बनता है, तो एक नया स्टेट बन गया मध्य प्रदेश। तो यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश कब बना, तो मध्य प्रदेश बना है 1 नवंबर 1956 को, ये डेट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 1956। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से ऐसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश फाउंडेशन डे कब होता है, सो द डेट इज नवंबर 1। किस किस को मिलाकर बनाया गया भैया मध्य प्रदेश, तो पहले जो स्टेट था उसका नाम था सीपी एंड बरार, सीपी एंड बरार एक स्टेट था जिसको मध्य भारत भी कहा जाता था, ठीक है। इसके साथ जोड़ दिए गए कुछ और स्टेट्स, जैसे विंध्य, विंध्य प्रदेश को ऐड कर दिया गया, प्लस महाकौशल, और आप याद करो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट जब हम पढ़ रहे थे तो एक स्टेट को हमने अलग से पढ़ा था जिसका नाम था भोपाल, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। इन सारे एरियाज को मिला करके बनता है मध्य प्रदेश, ठीक है। और एक एरिया जो कभी सीपी का पार्ट था, सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट था, जिसको कहते थे विदर्भ, विदर्भ एरिया हमने दे दिया किसको, स्टेट ऑफ बॉम्बे को। वो विदर्भ एरिया जो कभी सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट था, वो पार्ट दे दिया गया बॉम्बे को। क्यों? क्योंकि ये विदर्भ एरिया प्राइमरीली मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन द्वारा इनहेबिट किया जाता था, मेजरली यहाँ पर मराठी स्पीकिंग लोग रहते थे। तो महाराष्ट्र का एरिया जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर बनाता है, नागपुर और उसके आसपास का एरिया, वो कॉल्ड एज विदर्भ, ठीक है। वो विदर्भ दे दिया गया बॉम्बे को, ठीक है। देन एक और स्टेट था मद्रास, अब जानते ही हो मद्रास नया स्टेट बना, पहले तो मद्रास से आंध्रा हटाया गया था, ठीक है। फिर बाकी जो मद्रास था उस मद्रास से केरला भी हटा दिया गया, तो अब मद्रास सिर्फ बचता है मेजरली तमिल पॉपुलेशन वाले लोगों से, मेजरली आई एम सेइंग, नॉट कंप्लीटली, नॉट एब्सोल्युटली, मेजरली यहां पर तमिल स्पीकिंग लोग थे, ठीक। एक और स्टेट बनता है मैसूर, ये मैसूर स्टेट जो है आज का आप कर्नाटका जैसे आप इसको मान सकते हैं। मैसूर में एक एरिया और मिला दिया गया था जिसका नाम था कुर्ग, कुर्ग जो स्टेट था उस कुर्ग को मैसूर के साथ मिलाकर एक नया मैसूर स्टेट बनाया गया, ठीक है, जो कि प्राइमरीली कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, कन्नड़, कन्नड़ भाषी प्रदेश था मैसूर, ठीक है। देन एक उड़िया स्पीकिंग स्टेट बनाया गया, उड़िया स्पीकिंग स्टेट जिसका नाम था ओडिशा, उस समय ओडिशा नहीं कहते थे, उसे उड़ीसा कहा करते थे, उड़ीसा, ठीक है। एक नया स्टेट बन रहा है, देन एक स्टेट बन रहा है पंजाब, ठीक है, पंजाब, पंजाबी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी उससे पंजाब बन रहा है, नॉर्दर्न इंडिया में है। देन एक स्टेट बन रहा है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान प्राइमरीली तो यहाँ हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन और भी कुछ रीजनल डायलेक्ट्स हैं, मेवाड़ी, मारवाड़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की कुछ कुछ लैंग्वेजेस या रीजनल डायलेक्ट्स बोली जाती हैं। देन एक और हिंदी स्पीकिंग स्टेट आप देखिए, उत्तर प्रदेश, यूपी, आज का यूपी, इस समय इसमें उत्तरांचल या उत्तराखंड भी इंक्लूसिव था, ठीक है। तो पहले जिस स्टेट को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे उसको बना दिया गया उत्तर प्रदेश, जो कि प्राइमरीली हिंदी स्पीकिंग स्टेट था। एंड लास्टली
वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट जो मेजरली बंगाली या बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन द्वारा इनहेबिट किया जाता था। ठीक है, ये 14 स्टेट्स बनाए गए थे 1 नवंबर 1956 को, और ये कुछ यूनियन टेरिटरीज थी छह। पहली थी अंडमान एंड निकोबार, इसका हम रीजन भी समझ चुके हैं कि क्यों अंडमान एंड निकोबार को एक यूटी बनाकर रखा गया, क्योंकि एक तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, दूसरा उसका कल्चरल फैब्रिक ऐसा है कि उसको एक स्टेटहुड नहीं प्रोवाइड की जा सकती। देन दिल्ली, अगेन दिल्ली के लिए हमने रीजन देखा था, उसका हिस्ट्री ऐसा है कि उसको कंप्लीट स्टेटहुड देना थोड़ा मुश्किल है, और आज भी ये एक बड़ा डिबेट का टॉपिक है। मिस्टर केजरीवाल जब से दिल्ली के सीएम बने हैं तब से तो वो बार बार कह रहे हैं कि भाई साहब हमें दिल्ली को कंप्लीट स्टेटहुड चाहिए, तो ये डिबेट खूब ज्यादा आजकल न्यूज में रहती है। तो दिल्ली वॉज अनदर यूटी। देन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को क्यों बनाया गया था भाई, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन उस तरह की थी उस समय पर लगा कि इसको कंप्लीट स्टेटहुड नहीं देना। याद रखिएगा 1956 में हिमाचल प्रदेश स्टेट नहीं था, ये एक कंप्लीट स्टेट बहुत टाइम बाद जाकर बनेगा। ठीक है, पहाड़ी इलाका है मेजरली, इसलिए इसको यूटी बना दिया। देन लैक्सडीव, मिनिकॉय और अमिंडवी आइलैंड्स, ये कुछ एक आइलैंड्स का ग्रुप जो था इसको भी यूटी रखा गया। ये लैक्सडीव आप देख पा रहे हो, आजकल इसका नाम लक्षद्वीप है। ठीक है, देन दो और स्टेट थे नॉर्थ ईस्ट में हमारे, मणिपुर और त्रिपुरा। अगेन इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इस तरह की थी, और साथ ही इस तरह का सिचुएशन वहां पर था क्योंकि वहां पर बहुत लगातार सेपरेट कंट्रीज की बात चलती थी। ठीक है, सेपरेट स्टेट के भाई हमको इंडिया से आजाद कर दो, इस तरह की बात बार बार नॉर्थ ईस्ट में चलती रहती है, जिसको हम इंसर्जेंसी कहते हैं। इस तरह की डिमांड वहां पर बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए मणिपुर और त्रिपुरा को भी यूटी बनाया गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे 14 स्टेट्स थे और ये हमारी 6 यूनियन टेरिटरीज थी जो नवंबर 1, 1956 को बनाई गई। ठीक है, किस तरह से हम आज के इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप देखते हैं वो बनना शुरू हुआ। ठीक है, समझ आ गया। ये पीपीएससी ने अब स्पेसिफिकली इसको आपके सिलेबस में जोड़ दिया है। अब वो स्पेसिफिकली उसने कहा है एमपीपीएससी ने कि अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये जो पार्ट है मेंस में और प्रिलिमिनरी में आने के बहुत ज्यादा चांसेस इस बार के लिए बन रहे हैं, इस बार या अगली बार के लिए। ठीक है, ऑल राइट, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।